आज भारत बंद और बीते दिनों में आगजनी, तोड़फोड़, इन सब के बीच सेना तेजी से अग्निपथ के कार्यान्वयन की दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन विरोध के स्वर भी मुखर है। क्या यह राष्ट्रहित में है? हमारे साथ हैं जनरल मनोज पांडे, थल सेना अध्यक्ष। आज तक पर बातचीत करने के लिए हमसे बहुत बहुत धन्यवाद जनरल साहब। धन्यवाद गौरव। जनरल साहब, अग्निपथ और अग्निवीर, क्या ये राष्ट्रहित में है? आखिर क्यों बने कोई अग्निवीर? गौरव, मैं इस संदर्भ में दो तीन चीजें कहना चाहूंगा। ये एक ऐसा परिवर्तन है और एक ऐसी योजना है, ये ना सिर्फ सेना के लिए पर पूरे देश के लिए और युवाओं के लिए, ये सभी के लिए फायदेमंद होगी एंड इट विल बी अ विन विन सिचुएशन। और यदि आप इसके जो ऑब्जेक्टिव्स और डिलीवरेबल्स में जाएंगे तो आपको ज्ञात होगा कि ये सभी के लिए और ये सभी के हित में है। जहां तक सेना का सवाल है, मैं तीन चार मुद्दे आपके सामने रखना चाहूंगा। हमारी सेना का यूथफुल प्रोफाइल इस योजना के कार्यान्वय होने के बाद इट विल इम्प्रूव ड्रास्टिकली। दूसरा, हमारे जवान जो हम रिक्रूट करते हैं या इंडक्ट करते हैं सेना में, दे विल बी मोर टेक्नोलॉजिकली एडेप्ट एंड बी एबल टू यू नो ऑपरेट आर वेपन सिस्टम्स इन अ मच बेटर फैशन एंड द इक्विपमेंट इन द फ्यूचर। तीसरा, हमारा यूथफुल एंड एक्सपीरियंस का जो एक बैलेंस होगा यूनिट में या सेना में, हम उसमें भी बढ़ोतरी करना चाहेंगे। और चौथा, इनके अग्निवीरों का इंटीग्रेशन जो हमारे यूनिट्स या सेना में रहेगा, उससे भी पूरे तौर से हमको इसका फायदा पड़ेगा। लेकिन इस योजना का के बारे में बात करते ही इसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता पड़ी, तो क्या ये सोच समझकर लाई गई एक योजना है या फिर थोपी गई है एक तरह से सेना पर? नहीं, सबसे पहले मैं ये धारणा और दिस नोशन आई वॉन्ट टू कंप्लीटली डिनाय दैट ये एक ऐसी स्कीम है जो हम पर थोपी गई है। ये बिल्कुल गलत है। ये तकरीबन 1.5-2 साल से ये योजना विचाराधीन है और इसको कंटिन्यूअस डेलिब्रेशंस, डिस्कशंस या कंसल्टेशन के फलस्वरूप, और ये भी सभी स्टेक होल्डर्स के साथ हुए है, इसके पश्चात ही इसकी एक फाइनल रूपरेखा बनी है। जहां तक आपने ट्वीकिंग का सवाल उठाया, मैं कहना चाहूंगा कि जब ये स्कीम या योजना अनाउंस हुई थी 14 तारीख को, इसकी जो ब्रॉड और या मोटे तौर पर रूपरेखा, इसको बताया गया था। और उसके बाद जो उसके डिटेल प्रोविजंस है, या जैसे आपने पिछले 3-4-5 दिन में देखा है, ये प्रोविजंस को एक एक क्लैरिफाई किया गया है। तो मुझे लगता है ये कहना गलत होगा कि ये स्कीम को पहले ही 4-5 दिन में हमको ट्वीक करना पड़ा है। मुझे लगता है गलत धारणा है ये।